नमस्कार बाळकों, धोरण चार विषय हिंदी एमां पहेलो पाठ नैरा आपणे आगळ जोयो, बराबर बाळकों। हवे आ बीजो पाठ, पाठनुं नाम छे बढ़ते कदम, एटले आगळ वधता कदम एटले डगला। बढ़ते कदम एटले आगळ वधता डगला। हवे आपणे अहींया हिंदी वर्णमाला एटले हिंदीनो स्वर अने व्यंजन आपेलुं छे, तो पहेला आपणे स्वर अने व्यंजनने जोईशुं, पछी आगळ जोईशुं, बराबर। पहेला छे अ, आ, आ नानो ई, आ मोटो ई, आ नानो उ, आ मोटो उ, ऋषिनो रु, अ, ए, ओ, औ, अम, अह। आ हिंदीमां स्वर छे, बराबर। गुजरातीना स्वर अ आ ई होय एम ज हिंदीना पण आ स्वर छे, बराबर। हवे आपणे व्यंजन જોઈશું। ક, ખ, ગ, ક, ચ, છ, જ, છ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, ઓણફેન, ત, થ, દ, ધ, ન, પ, ફ, બ, ભ, મ, ય, ર, લ, વ, શ, ષટકોણ, સસલુનો સ, હ, અળ, ત્ર, ગિન્યા અને આ સ્ર, બરોબર બાળકો। હવે અહીંયા શું કહેવા માગે છે કે હિન્દી વર્ણમાલા મેં દેખકર ગુજરાતી વર્ણો સે ભિન્ન વાલે હિન્દી વર્ણ ઢૂંઢકર લખીએ, જૈસે કે જ। તો અહીંયા એમ કહેવા માગે છે કે ગુજરાતીનો શબ્દ હોય અને હિન્દીનો શબ્દ બે અલગ અલગ પડતા હોય ને, એ અહીંયા લખવાના છે। તો પહેલાં આવશે ક, ખ, ગ, ચ, છ, ટ, ડ, ઢ, અણફેણ, દ, ધજા, ફ, બ, ફ, લ, અ, ઈ, ઉ। જો અહીંયા હિન્દીમાં લખવાનું છે અને એ બાજુમાં એનો ગુજરાતી, અથવા અહીંયા ગુજરાતી લખો અને અહીંયા હિન્દી લખશો તો પણ ચાલશે, બરાબર। એવી રીતે લખવાનું છે। હવે અહીંયા યહ અને વહ, નજીક વસ્તુ માટે યહ અને વહ વપરાય છે, બરાબર। તો આપણે જોઈશું નજીક અને દૂર। તો નજીક છે તો યહ અને આ દૂર તો વહ। તો શું લખેલું છે, નજીક પતંગ છે તો યહ પતંગ હે, યહ પુસ્તક હે, યહ ઘોડા હે। હવે અહીંયા દૂર દેખાય છે, તમને પતંગ દૂર દેખાય છે ને બાળકો, તો અહીંયા આપણે વહનો ઉપયોગ કરશું, પણ એક જ વસ્તુ માટે વહનો ઉપયોગ થાય,
उसे वह पतंग है, वह पुस्तक है, वह घोड़ा है। बराबर बाळको, हवे आगळ। हवे अहींया एक वस्तु अने वधारे वस्तु माटे छे, तो एक वस्तु माटे यह वपराय अने वधारे वस्तु माटे ए वपराय, तो आपणे जोईशुं। यह लड़का है, यह हाथी है, यह लड़की है, यह माला है। आ एक वस्तु माटे यह, अने अहीं वधारे वस्तु माटे तो ए लड़के है, ए हाथी है, ए लड़कियां है, ए मालाएं हैं। यह पुस्तक है, ए पुस्तके है। हवे अहीं एक वस्तु अने नजीक, अने जाजी वस्तु अने दूर से, तो एनी माटे नजीक से अने एक छे, तो वह चूहा है, वह माली है, वह तितली है, वह कुर्सी है, वह बकरी है। तो अहीं वधारे तो वे चूहे है, वे माली है, वे तितलियां है, वे कुर्सियां है, वे बकरियां है। बराबर। हवे अहीं यह अरविंद है, आ अरविंद छे। इसके पास किताब है, तो एनी पासे किताब एटले चोपड़ी छे। बराबर। ए तितलियां है, त्रण चार पतंगिया छे एटले ए तितलियां है। इनके पंख रंगबिरंगे है। बराबर। वह कौवा है, उसका रंग काला है। वे दो पेड़ है, उन पर बगुले बैठे है। मैं तुषार हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। मैं तुषार हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। अहीं एक छे बराबर अने नजीक छे। मैं दीपाली हूँ, मैं विद्यार्थीनी हूँ। छोकरा माटे विद्यार्थी आवे अने छोकरी माटे विद्यार्थीनी नी लगाड़वानो पास। मैं स्कूल जाती हूँ। हम लड़के है, एटले अहीं त्रण छोकरा छे एटले हम आव्यु। हम लड़के है, हम पढ़ते है। हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती है। तुम विद्यार्थी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। प्रश्नार्थ छे। तुम विद्यार्थी नहीं हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। आप किसान हैं, आप खेती करते हैं। ऐसे यहाँ आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं। ए मछलियाँ है, कारण के बे त्रण मछली छे एटले ए मछलियाँ। ए मछलियाँ है, मछलियाँ पानी में है। मछलियाँ जार के अंदर है, जार एटले बरणी। अहीं एक पुस्तक से पण दूर से। वह किताब है, किताब मेज पर है, किताब मेज के ऊपर है। यह गाय है, गाय पेड़ के नीचे है, गाय घास खा रही है। वह पाठशाला है, पाठशाला के पास पेड़ है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। यह
किताब है, एक अच्छे एट किताब। यह मेरी किताब है। वह कलम है। आने खेचा में तमे जोई सको छो अहीं पेन देखाय छे। वह कलम है। वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। यह थैला है। यह नवीन का थैला है। यह उसका थैला है। वह कॉपी है। वह आशा की कॉपी है। यह कंपास है। यह तुम्हारा कंपास है? प्रश्नार्थ छे। हवे तमे आ चित्र जोई सको छो बराबर। अहींया घर दोरेलू छे। अहींया बे बोर मोर छे, बे कड़ा करे छे। अहींया एक गाय छे, तो गायनी बाजूमां एक छोकरी ऊभी छे। झाड छे, झाडनी ऊपर बे वांदरा छे, वांदरा रमत रमे छे बराबर। एक झाड छे। तो शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। छात्र एटले विद्यार्थी बराबर। विद्यार्थी जवाब देशे। तो हवे आपणे ए सवाल जवाब जोईशुं। बंदर कहाँ है? पहलो प्रश्न छे, बंदर कहाँ है? तो बंदर पेट पर है। बंदर पेट पर है। बीजो, गाय कहाँ है? तो गाय पेट के नीचे खड़ी है। गाय कहाँ है? तो गाय पेट के नीचे खड़ी है। त्रीजो, मोर कब नाचता है? मोर कब नाचता है? तो जवाब, मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। चौथो, बंदर क्या कर रहे हैं? चौथो सवाल, बंदर क्या कर रहे हैं? तो जवाब, बंदर खेल रहे हैं। पांचवा, पेट पर कितने बंदर है? पेट पर कितने बंदर है? तो जवाब, पेट पर दो बंदर है। पेट पर दो बंदर है। छठो सवाल, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो चित्र में तमे जोई सको छो के एक वांदरो नीचे लटके छे, तो बीजो वांदरो अहींया एने पकड़ी राख्यो छे अने एने कहे छे के तू पकड़, नहींतर नीचे पड़ी जईश। बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो कहे छे के तू डाळी पकड़, नहींतर नीचे पड़ी जईश। सातमो सवाल, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? तो लड़की गाय से बातें कर रही होगी के तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें पानी पीना है, ऐसी बातें कर रही होगी। आठवां सवाल, गाय के पास कौन है? तो गाय के पास लड़की है। वह क्या कर रही है? तो वह गाय से प्यार और बातें कर रही है। गाय के पास लड़की है और वो गाय से बातें कर रही है और प्यार कर रही है बराबर। बाळको हवे अहींया आपणो आ पाठ पूरो थाय, पण आमां थोड़ा हूँ तमने बीजू थोड़ूक समझावा माँगु छू, ते तमे बराबर सांभळो। तो आमां वह, वह एटले ते, मैं तो हूँ, पास तो पासे, यह तो आ,
तुम तो तू, ऊपर तो ऊपर, उसके तो एमना, इसके तो एमना, आप तो तमे, अंदर तो अंदर, बराबर। પછી થોડા ગુજરાતી શબ્દોને હિન્દીમાં શું કહેવાય એના વિશે આપણે જોઈશું। છોકરો તો લડકા, છોકરી તો લડકી, પતંગિયો તો તિતલી, ઘોડા તો ઘોડો, ચોપડી તો કિતાબ, ઝાડ તો પેડ, કાગડો तो कौवा, बगला तो बगुला, धोरण तो कक्षा, कुर्सी तो कुर्सी, रंगे रंगी तो रंगी रंगी, खेडूत तो पिशाल, माड़ा तो माला, पतंगी तो तितली, बरणी तो जार, माछली तो मछली, बराबर बाळको। आ हतुं अहींया थोड़ाक मैं तमने हिंदी गुजराती ने हूँ हिंदी शब्द समझाव्या, बराबर। हवे आमां तमने जे ना खबर पड़े ए स्कूल पर आवी अने टीचर ने मळी जजो। अने आ द्वितीय सत्रनुं रिविजन शुरू छे तो द्वितीय सत्रनी परीक्षा लेवानी छे, बराबर। असाइनमेंट बनी जशे, પછી અસાઇનમેન્ટ તમારું મોબાઈલમાં આવી જશે। હવે આપણે મોબાઈલ દ્વારા જ બધું કામ કરવાનું છે, ભણવાનું, વિડીયા જોવાના, અસાઇનમેન્ટ બધું જ આપણે આપણે મોબાઈલ દ્વારા કરવાનું છે। તો બાળકો તમારે થોડીક મહેનત વધારે કરવી પડશે જેથી કરી તમારે પાંચમા ધોરણમાં તકલીફ પડે નહીં, બરાબર। આમાં થોડાક હજી વિકલ્પો અને ખાલી જગ્યા બને એવું છે તો હું તમને શીખવાડું। धको हिंदी में कैसे लिखोगे, धको हिंदी में कैसे लिखोगे, तो धको हिंदी में ऐसे लिखते हैं। पसी बीजो, फको हिंदी में कैसे लिखोगे, फको हिंदी में कैसे लिखोगे, तो फको हिंदी में ऐसे लिखते हैं। જો ફની પહેલાં ઉપર પહેલું લીટું હોય એ સીધું હોય, કલમના કનું વણાકવાળું હોય એ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર। ફકો એસે લીપતે હે, પેટ પર કિતને બંદર થે, પેટ પર કિતને બંદર થે, તો પેટ પર દો બંદર થે। ચોપડી શબ્દ કા હિન્દી શબ્દ ક્યાં હે, ચોપડી શબ્દ કા હિન્દી શબ્દ क्या है, तो चोपड़ी शब्द का हिंदी शब्द किताब है। मोर क्या कर रहे हैं, तो मोर क्या कर रहे हैं, तो मोर नाच रहे हैं। गाय के पास कौन था, गाय के पास लड़की थी, बराबर बाळको। આ હતા થોડાક સવાલ જેવા વિકલ્પો અને ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નો કરી। હવે હું તમને આગળનો પાઠ આપણે આવતા પીરિયડમાં જોઈશું। ત્યાં સુધી નમસ્કાર।